नमस्कार, आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। श्री एच एन राय ने सेल के निदेशक तकनीकी पदभार ग्रहण किया। सामूहिक संपर्क सभा का 808वां सत्र आयोजित। और सेवानिवृत्ति पर वरिष्ठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भावभीनी विदाई। अब समाचार विस्तार से। श्री हरिनंद राय ने आज 1 अगस्त को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक तकनीकी के रूप में पदभार ग्रहण किया। BHU IIT के धातुकर्मी अभियंता श्री राय वर्ष 1986 में सेल में नियुक्त हुए। सेल में उन्हें 32 वर्षों से अधिक कार्य करने का अनुभव है। इस दौरान वे भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट के साथ साथ निगमित कार्यालय में भी अपनी सेवा प्रदान की है। DSP में कार्यपालक निदेशक वर्क्स के रूप में नियुक्ति से पहले उन्होंने भिलाई में अपना कार्यकारी जीवन आरंभ किया, जहां उन्होंने ब्लास्ट फर्नेस टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन एवं लॉजिस्टिक में विशेषज्ञता हासिल की और महाप्रबंधक ब्लास्ट फर्नेस के स्तर तक पहुंचे। इस भूमिका में रहते हुए वे योजना, रखरखाव, लॉजिस्टिक आदि सहित प्लांट में समग्र संचालन के लिए जिम्मेदार थे। इसके बाद इन्होंने निगमित कार्यालय में कार्यपालक निदेशक ऑपरेशन का पदभार संभाला, जहां सभी सेल संयंत्र की संरचना, लॉजिस्टिक, कच्चे माल की योजना और वितरण की देखरेख की। वे केंद्रीय कोयला आपूर्ति संगठन, ऊर्जा प्रबंधन डिवीजन और रेल मूवमेंट सेल के प्रभारी भी थे। श्री राय ने ऐसे समय में कंपनी की निदेशक तकनीकी का पदभार संभाला है, जब सेल अपनी सभी नई इकाइयों से उत्पादन बढ़ा रहा है, जो आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रम के हिस्से हैं। गोपबंधु ऑडिटोरियम में 1 अगस्त को आंतरिक शक्ति के जागरण द्वारा परिवर्तन और रूपांतरण की योजना विषय पर 808वां सामूहिक संपर्क सभा आयोजित किया गया। महाप्रबंधक सेवाएं एवं यूटिलिटी श्री गौतम बैनर्जी ने सत्र की अध्यक्षता की। महाप्रबंधक वित्त वन लेखा श्री MKL चांद भी मंच पर उपस्थित थे। RSP के विभिन्न यूनिटों के अनेकों वरिष्ठ अधिकारी एवं सभी वर्गों के कर्मचारियों ने इस सत्र में भाग लिया। सभा को संबोधित करते हुए श्री बैनर्जी ने कर्मचारियों को उनके योगदान के लिए सराहना की, जो उत्पादन के मामले में जुलाई को सर्वोत्तम महीनों में से एक बनाने में मदद किया। श्री बैनर्जी ने OBP से लेकर फिनिशिंग मिल तक पाए जाने वाले प्रत्येक विभाग के महत्व और प्लांट को लाभप्रद बनाने में उनके योगदान का उल्लेख किया। उन्होंने कर्मचारियों को प्लांट की प्रगति और समृद्धि के लिए सार्थक योगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर श्री चांद ने उतार चढ़ाव बाजार की स्थिति को दूर करने के लिए उत्पादन की मात्रा में वृद्धि, लागत को कम करने और गुणवत्ता और तकनीकी आर्थिक मानकों में सुधार करने पर जोर दिया। RSP कर्मी समूह पर विश्वास व्यक्त करते हुए श्री चांद ने सभी को RSP के लाभप्रदता को बनाए रखने के लिए अपने कोशिश जारी रखने की आग्रह की। प्रारंभ में वार्षिक निष्पादन समीक्षा के अवसर पर RSP के CEO श्री अश्विनी कुमार के संबोधन पर एक वीडियो दिखाने के बाद RSP के सेल उदय पहलुओं पर RSP के CEO श्री अश्विनी कुमार का ऑडियो विजुअल संदेश और राहें जो प्लास्टिक को हाँ कहते हैं नामक एक लघु वीडियो फिल्म के साथ साथ सुरक्षा पर 2 छोटे छोटे वीडियो भी इस अवसर पर दिखाया गया। पावर डिस्ट्रीब्यूशन के OCT सुश्री बरखा शर्मा एवं OPVP के OCT सुश्री कुनी रानी विश्वाल ने प्लांट एवं टाउनशिप के कार्यकारिता के विभिन्न पहलुओं तथा कर्मचारियों के सुझावों के हस्तक्षेप और स्थिति पर विस्तार से कहा। जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार किया गया मीडिया कवरेज नामक खंड में जुलाई 2018 में मीडिया में प्रकाशित RSP के विभिन्न सफलतापूर्ण प्रयासों के घटनावलियों को भी दिखाया गया। इसके बाद विचार विमर्श सत्र के दौरान कर्मचारियों ने प्लांट के उत्पादन, उत्पादकता एवं अनुरक्षण मुद्दों से संबंधित सुझाव दिए। HRD के वरिष्ठ इंस्ट्रक्टर श्रीमती समिता मिश्र ने सत्र का संचालन किया, जो एक संकल्प ग्रहण समारोह के साथ समाप्त हुआ।
31 जुलाई को आयोजित विभिन्न समारोह में कंपनी की सेवा से सेवानिवृत्त हुए वरिष्ठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भावभीनी विदाई दी गई। IGH के आयोजित एक विदाई समारोह में निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर SS पति ने संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर रवि रत्न पंडा को सेवा प्रमाण पत्र एवं उपहार प्रदान किया एवं शुभकामनाएं दी। यूनिट कार्मिक अधिकारी IGH के अन्य वरिष्ठ डॉक्टर और कर्मचारी इस अवसर पर उपस्थित थे। सिविक सेंटर में आयोजित एक समारोह में वरिष्ठ प्रबंधक ग्रेड तक के अधिकारियों सहित 35 कार्मिकों को भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर उपस्थित कार्मिकों के पति पत्नियों को भी उपहार प्रदान किया गया। महाप्रबंधक परियोजना श्री SK बेहरा इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर सेवानिवृत्त हो रहे कार्मिकों को सेवा प्रमाण पत्र एवं उपहार प्रदान किए। उप महाप्रबंधक कार्मिक OD श्री राकेश वर्मा इस अवसर पर सम्मानित अतिथि थे। वरिष्ठ प्रबंधक कार्मिक श्री S बड़पन्ना ने समारोह का संचालन किया। हिंदी समाचार कक्ष आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।